बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को डिस्कस किया था और उसके हमने दो एलिमेंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट जो थे उनको हमने कवर किया पिछले कुछ लेक्चर्स में, जो कि राउटिंग और शेड्यूलिंग थे। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे कि आप इसके नाम से पता चलता है, कुछ अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, कि हमारा जो पूरा एक नेटवर्क है अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल लेने से उसके प्रोडक्शन, उसको अपनी फैक्ट्री में ला के प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको पैकेजिंग की तरफ भेज के फिर उसको डिस्पैच करना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ या मार्केट में, ये जो पूरा एक नेटवर्क है इट इज़ एक्चुअली सप्लाई चेन। अब इस सप्लाई चेन को मैनेज किस तरह करना है, कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस डैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज मटीरियल इंटू इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फिनिश प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। यानी अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, इस पूरी चेन को, सप्लाई चेन जो है इस पूरी चेन में तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन इम्पॉर्टेंट जो है वो लूप्स हैं, लिंक्स हैं। सबसे पहला लिंक या सबसे पहला स्टेप क्या है कि रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल को अवेलेबल बनाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी फ्रॉम सप्लायर्स टू और ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कौन से चैनल यूज़ होंगे, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन होगी या बाय रेल होगी, और वो किस तरह से होगी, कितनी क्वांटिटी में होगी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सेकंड लिंक ऑफ डैट चेन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज रॉ मटेरियल इंटू इंटरमीडिएट और फिनिश प्रोडक्ट। अब वो रॉ मटेरियल हम तक पहुँच गया, उस रॉ मटेरियल को अपने स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा ताकि वो वहाँ पे उस पर प्रोसेस हो सके और वो किसी इंटरमीडिएट गुड या किसी फिनिश गुड की शक्ल इख्तियार कर सके। थर्ड एंड फाइनल स्टेप और थर्ड एंड फाइनल लिंक ऑफ सप्लाई चेन इज टू डिलीवर डैट फिनिश प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर, अपने सेल्स पॉइंट पे डिलीवर करना या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाना या मार्केट में ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स रख के सेल करनी है तो उसके लिए मार्केट तक पहुंचाना। तो ये तीन मेन लिंक हैं इस पूरी सप्लाई चेन के, इन्हीं को हम मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। और इसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट काउंसिल बनी हुई है जिसने 2004 में एक प्रॉपर डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये फंक्शन ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में नया है कंपैरेटिवली दूसरे फंक्शंस की निस्बत। नया है मुराद अर्ली 2000 में या लेट 90s में इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सप्लाई चेन को, अपनी सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मैनेज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो उसी हवाले से फिर अर्ली 2000 में एक काउंसिल फॉर्म की गई जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट काउंसिल कहते हैं। इसने 2004 में एक प्रोफेशनल डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट कन्वर्जन एंड ऑल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये
इस डेफिनेशन में भी बातें वही हैं जो ऊपर हम पैराग्राफ में डिस्कस करके आए हैं। देयर आर सेम थ्री पॉइंट्स जो इस सप्लाई चेन को एक चेन की शक्ल देते हैं। उसमें पहला पॉइंट, पहला स्टेप वही है कि आपने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट को। उसके बाद उस रॉ मटेरियल की कन्वर्जन है। कन्वर्जन मीन कि उस पर प्रोसेस होना है, उसने इंटरमीडिएट या फाइनल गुड में कन्वर्ट होना है, डेट इज़ कन्वर्जन। एंड थर्ड एंड लास्ट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मीन्स कि उसको फिर आपने डिस्पैच करना है मार्केट की तरफ या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह की तरफ, तो डैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। ये तो थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जो कि मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगी। नाउ ये डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लान। सिंपल, जहाँ पे मैनेजमेंट का वर्ड आ गया तो डेफिनेटली सबसे पहला स्टेप प्लान ही होगा। प्लानिंग इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज प्राइमरी सब्जेक्ट, प्राइमरी स्टेप। ये स्ट्रेटजिक पार्ट है, स्ट्रेटजिक पोर्शन है, यानी जिसमें हम स्ट्रेटजी पूरी तैयार करते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो अभी नहीं होगी, ये तो अभी जस्ट प्लान है, और प्लान जो है वो हमेशा एक स्ट्रेटजिक पोर्शन होता है जिसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है उसको मेंशन करते हैं कि हम अपने कस्टमर से, या चले सप्लायर से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने सप्लायर से किस तरह कांटेक्ट करेंगे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, और फिर उस रॉ मटेरियल को अपने सप्लायर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक किस तरह पहुंचाएंगे, उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या वो सप्लायर की ड्यूटी होगी। अगर हमारी ड्यूटी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम फिर उसके लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कंटेनर्स की शक्ल में आएगा, बाय सी आएगा, बाय एयर आएगा, और अगर विद इन दी कंट्री है कि तो फिर वो किस तरह बाय रोड आएगा या बाय रेल आएगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं जो कि हम प्लान यानी पहले कंपोनेंट में डिसाइड करते हैं। फिर इसी तरह उस रॉ मटेरियल की कन्वर्जन के बाद जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस फिनिश गुड्स को कस्टमर्स तक, सप्लायर सॉरी कस्टमर्स तक, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक किस तरह पहुंचाया जाएगा, वो सारा कुछ भी इस प्लान वाले स्ट्रेटजिक पोर्शन में डिसाइड किया जाता है। सेकंड, सोर्स। अब उस प्लान में जो हमने स्ट्रेटजिक प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है सोर्स के, हम वो उन सप्लायर्स को चूज करेंगे जिनसे हमने गुड्स और सर्विसेज अवेल करेंगे। एक बात और, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का जिक्र हुआ तो जहन में रखिएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। इट्स कम्प्लेक्सिटी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होगा, बड़ी सिंपल सी मैनेजमेंट होगी, और कई जो असेंबली लाइंस, बड़ी प्रोडक्शन लाइन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा टफ टास्क होता है सप्लाई चेन को मैनेज करना। एनीवेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की हो, उसमें कंपोनेंट सप्लाई चेन के यही हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो है सोर्स, जिसमें हम अपने उस रॉ मटेरियल का सोर्स सेलेक्ट करेंगे यानी सप्लायर्स को चूज करेंगे। फिर एक प्राइसिंग वगैरह उसमें सेट करेंगे, डिलीवरी का मोड सेट करेंगे, पेमेंट मेथड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे हम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। फॉर एग्जांपल, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब हम किसी भी सप्लायर से कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी सप्लायर से डील करते हैं, कि प्राइस सेट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद डिलीवरी मोड या डिलीवरी मेथड होता है, एंड देन पेमेंट मेथड। पहले निगोशिएशन होगी कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसकी प्राइस हम सेट कर लेंगे, इतनी प्राइस पे होगा, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मोड, डिलीवरी मोड, के वो हम तक किस तरह पहुंचेगा, वो हमारे डिस्पोजल पे है, उसने पहुंचाना है बाय रोड, बाय रेल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। फिर इसी तरह
पेमेंट मेथड कैसे होगा, पेमेंट एडवांस होगी या डिलीवरी के बाद होगी, या वो मंथली होगी, वीकली होगी, या वो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से होगी, ये डिपेंड करता है कि वो पेमेंट मेथड क्या होगा। इसी तरह कुछ और चीज़ें जो हमने प्लान के स्ट्रेटजिक पोर्शन में प्लान की थी, जो पेपर वर्क किया था, यहाँ सोर्स में हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है जी मेक, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप आ गया है। अब हमारे पास प्लान कर लिया यानी स्ट्रेटजी बना ली, उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए सोर्स सेलेक्ट किए, वो चाहे सब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का सोर्स हो या फिनिश गुड्स की मार्केट में डिस्पैचिंग का सोर्स हो, वो सारे सोर्स हमने सेलेक्ट किए। मेक इज द थर्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, जिसमें हम प्रॉपर शेड्यूल करते हैं, जिस तरह हमने शेड्यूलिंग का भी टॉपिक पढ़ा रिसेंटली, कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोडक्शन लाइन को ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ करने के लिए हम प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं, ताकि एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकें, और फिर उसी कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर हम उसको कंप्लीट करके डिस्पैच कर सकें। वो फिर डिपेंड करता है कि हम शेड्यूलिंग फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है या बैकवर्ड शेड्यूलिंग है, वो सारी हमने डिटेल पढ़ी। एज द मोस्ट मेट्रिक इंटेंसिव पोर्शन ऑफ सप्लाई चेन, बायर क्वालिटी लेवल्स, प्रोडक्शन आउटपुट एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। मेट्रिक इंटेंसिव पोर्शन का मतलब ये है कि इट इज़ वन ऑफ द एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखें, आपने राइटली सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट रॉ मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया, उसकी अच्छी प्राइसिंग सेट कर ली, उसका डिलीवरी मोड और फिर आगे ये सारी चीज़ें सेट कर ली, और अगर प्रॉप मैन्युफैक्चरिंग में जब आए, मेक पे जब आए, तो अगर हम उसकी प्रॉपर मेकिंग प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो हैं, सारा कुछ जो हम पहले कर चुके हैं, ये इसके बाद जो होगा वो सब बेकार है। तो ये कोर स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। देन डिलीवरी, दिस इज द पार्ट दैट मैनी इनसाइडर्स रेफर टू एज लॉजिस्टिक। जी, इसके लिए लॉजिस्टिक का वर्ड यूज़ होता है। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक मैनेजर होता है, जिसका काम ही ये होता है कि उसने इन फिनिश गुड्स को पैकेजिंग के बाद, पैकिंग वगैरह के बाद डिलीवर करना होता है, डिस्पैच करना होता है मार्केट में, या रिटेलर्स के पास, या जो है वो होलसेलर के पास, या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कोऑर्डिनेट दी रिसीट्स ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, डिवेलप अ नेटवर्क ऑफ वेयर हाउस, पिक कैरियर्स टू गेट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, एंड सेट अप एन इनवाइसिंग सिस्टम टू रिसीव पेमेंट्स। लास्ट कंपोनेंट है जी रिटर्न। अब रिटर्न का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जो हमें सेट करना पड़ता है। रिटर्न मींस के जो हमने फिनिश गुड्स बना के मार्केट में दे दी, उसमें से कुछ रिटर्न हो सकती हैं, उसमें से कुछ फॉल्टी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो हमें रिटर्न होंगी, वो कुछ वारंटी में रिटर्न हो सकती हैं, डिपेंड करता है किस तरह की प्रोडक्ट है। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, या कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं जिसकी वारंटी होती है, और हमने उसकी 8 से 10 माह या 1 साल वारंटी दी हुई है, वो रिप्लेसमेंट वारंटी है या उसकी जो भी है, तो वो प्रोडक्ट किस मैकेनिज्म के थ्रू वापस हम तक आएगी, डैट इज ऑल्सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वही होती है जिसमें ये लास्ट रिटर्न वाला पोर्शन बड़ा इजी हो और बड़ा स्पीडी हो, क्योंकि अगर कभी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है और कस्टमर जब उस प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम करता है या उसको रिटर्न करना चाहता है, तो वो जितना इजी मेथड होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर को एंटरटेन कर सकेंगे, जितनी ज़्यादा उसको आसानी दे सकेंगे इस रिटर्न और इस वारंटी क्लेम वाले इशू में, कस्टमर उतना सेटिस्फाइड होगा। क्योंकि कस्टमर पहले डिसार्ड तो हो चुका है, जब उसकी प्रोडक्ट उसने जो हमारी प्रोडक्ट ली उसमें कुछ फॉल्ट आया, कुछ कंप्लेन उसको आई, वो डिसार्ड तो हो चुका है ऑलरेडी।
और अगर हम उसको फिर तंग करें और उसको ज़्यादा जो है वो टेंशन दें उसकी वारंटी क्लेम और रिटर्न और इस सारे मामले में, तो वो हमेशा के लिए हमारी कंपनी से एनॉयड हो जाएगा। वो कभी भी हमारी कंपनी की तरफ दोबारा नहीं आएगा, कभी हमारी प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ नहीं करेगा। सो डैट लास्ट रिटर्न पार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लमेटिक पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इसके लिए जो नेटवर्क बनाना है डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए और एक्सेस प्रोडक्ट्स के लिए, या अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऑफ दी शेल्फ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल जूसेस वगैरह आप देखते हैं, पड़े होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है, शेल्फ लाइफ एक होती है कि वो कुछ दिनों बाद अगर एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो गए हैं और सेल नहीं हुए तो वो वापस कंपनी को बेचे जाते हैं, तो वो भी इसी रिटर्न प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो ये थे स्टूडेंट पांच कंपोनेंट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जो बिल्कुल इजी हैं और इनको आप अच्छे से, आपके जहन में इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर एंड रिटर्न। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एलिमेंट्स में बेसिकली तीन तरह की एक्टिविटीज हैं जिनको हम सप्लाई चेन के एलिमेंट कहते हैं। अपस्ट्रीम एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। अपस्ट्रीम एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। जो अपस्ट्रीम एक्टिविटी है इसमें एक्चुअली सप्लायर से रिलेशनशिप होता है, वो हमारी अपस्ट्रीम एक्टिविटी है। यानी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है, या इसको सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहा जाता है इस अपस्ट्रीम एक्टिविटी को। अपस्ट्रीम एक्टिविटी विद द असेंबली प्लांट्स एज द फोकस ऑफ सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम एक्टिविटी इंक्लूड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल विच आर मटेरियल्स नॉट प्रोसेस्ड। डेफिनेटली ये तो सीधी सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि रॉ मटेरियल कौन सा होता है। ऐसा मटेरियल विच हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड येट, जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल वो एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या कोई प्लास्टिक के जो है वो हो सकता है, डिपेंड करता है हम किस टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अपस्ट्रीम एक्टिविटी, जैसे हमने मैंने पहले बताया कि ये जो हमारी अपस्ट्रीम एक्टिविटी है इसमें हमारा सप्लायर मैनेजमेंट, एक्चुअली आप हम इसको कह सकते हैं सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का अक्सर वर्ड, या अक्सर आपने जो है डिपार्टमेंट, या अक्सर प्रोक्योरमेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन किसी ना किसी से कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर का काम यही होता है, वो ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर काम करता है और उसकी ड्यूटी यही है कि उसने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को उसने इंश्योर करना है, एट राइट टाइम, राइट कॉस्ट, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो इस अपस्ट्रीम एक्टिविटी का फोकस जो है वो यही होना चाहिए कि राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ टू बी इन ऑर्गेनाइजेशन एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस। ठीक है जी, तो ये अपस्ट्रीम एक्टिविटी है, ये हमारा जो है अपस्ट्रीम एक्टिविटी का मेन थीम है। अब जब हम सप्लायर की बात करते हैं तो दो तरह के सप्लायर होते हैं हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर सप्लायर और सेकंड ईयर सप्लायर। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दो ब्लॉक डायग्राम्स नज़र आ रही हैं जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सप्लायर को डिफरेंशिएट कर रही हैं, और ये बिल्कुल इजी है, आप इन दोनों डायग्राम्स को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर सप्लायर है, फर्स्ट ईयर सप्लायर हम उसको कहते हैं विच डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द मैन्युफैक्चरर, विच डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द मैन्युफैक्चरर। देर इज नो ब्रोकर, देर इज नो मिडल पर्सन, देर इज नो हायरिंग और कम्युनिकेटिंग एजेंसी बिटवीन सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट ईयर सप्लायर उसको कहते हैं जो अपने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है,
उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। उन दोनों के दरमियान में कोई ब्रोकर नहीं होता, कोई कमीशन एजेंट नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। वेयर एज सेकेंड ईयर सप्लायर उसको हम कहते हैं जिसके सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान में मिडल मैन होता। अब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ करीबी जानने वाले कुछ दोस्त भी हैं जो कि चाइना से मुख्तलिफ वहाँ जो बैठे हुए हैं सप्लायर, उनके साथ उनके लिंक हैं। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स को जो चीज़ें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो डायरेक्टली वहाँ पे चाइना में कम्युनिकेट नहीं करते या नहीं कर सकते या उनकी उस तरह से सोर्सेज नहीं डेवलप हुए, तो ऐसे लोग जो है उनको कहते हैं वो मिडल मैन का रोल प्ले करते हुए उस रॉ मटेरियल को वहाँ से चाइना से या किसी और जगह से मंगवा के तो उस मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं और दरमियान में अपनी कमीशन रख लेते हैं कि जी ये रेट हमें वहाँ से मिला है और इस पे मैंने इतने परसेंट कमीशन मेरी होगी और आपको ये इतने जो है रुपए में इतनी कॉस्ट करेगा। तो ऐसे सप्लायर जो होते हैं उनको सेकंड ईयर सप्लायर कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये थी पहली एक्टिविटी, एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो एलिमेंट्स में मैंने कहा कि एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अपस्ट्रीम एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। तो अभी हमने अपस्ट्रीम एक्टिविटी को डिस्कस किया है और अपस्ट्रीम एक्टिविटी में मैंने आपको कहा कि अपस्ट्रीम एक्टिविटी इज एक्चुअली एन एक्टिविटी टू मैनेज सप्लायर रिलेशनशिप, डैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो कि बड़ा मशहूर नाम है। और इसमें जब सप्लायर्स की बात आ गई तो दो तरह के सप्लायर हैं, फर्स्ट ईयर सप्लायर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर सप्लायर वो जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे मैन्युफैक्चरर से, दरमियान में कोई ब्रोकर, कोई कमीशन एजेंट, कोई मिडलमैन नहीं होगा। सेकंड ईयर सप्लायर वो होते हैं जो कि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू अ मिडलमैन, थ्रू एन ब्रोकर होती है। तो सेकंड एक्टिविटी है जी, ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जिसको हमने इंटरनल एक्टिविटी कहा, नाउ सॉरी अपस्ट्रीम एक्टिविटी कहा। अब दूसरी एक्टिविटी है जिसको हम इंटरनल एक्टिविटी कहते हैं, इंटरनल एक्टिविटी। इंटरनल एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी वो जो हमने कंपोनेंट्स ऊपर पढ़े थे उसमें जो मेक वाला पोर्शन था मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो एक्चुअली क्या है, इंटरनल एक्टिविटी है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, रॉ मटेरियल जिसको हमने कहा था कि ऐसा मटेरियल विच हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड येट, नाउ इन इंटरनल एक्टिविटी इट्स टाइम टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल की शक्ल बदली जाएगी, अब वो किसी इंटरमीडिएट गुड्स में या किसी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा ताकि वो फिनिश गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको फिनिश गुड्स को कहीं फिर पहुंचाया जा सके, कहीं पर जो है मार्केट में कहीं कस्टमर तक पहुंचाया जा सके, जो कि असल टारगेट हमारा होता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, हाथ से ज़्यादा काम होता है, लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ होती हैं, जो हम ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में छोटी मोटी मशीन से, टूल से, केमिकल प्रोसेस, ये फार्मूलेशन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ह्यूमन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू हाई टेक्नोलॉजी, हर किस्म की प्रोडक्ट इसमें हो सकती है। हैंडीक्राफ्ट जो कि हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ से लेकर हाई टेक्नोलॉजी, जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जैसे कि हमारे स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन है, जहाँ पर रोबोट्स काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को यूज़ किया जाता है और जो इंसानी आंख से देखे भी नहीं जा सकते, ये तो ऐसी मशीनरी यूज़ होती है।
इसके अलावा पाज ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कम्प्लेक्स होता है कि वो जो फिनिश गुड्स बनती हैं वो बहुत वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स और ज़्यादा ह्यूज होती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट्स हैं या हाउस होल्ड अप्लाइंसिस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, यानी ऐसी चीज़ें भी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के आती हैं। तो डैट इज़ इंटरनल एक्टिविटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ इंटरनल एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है जी पैकेजिंग। मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिनिश गुड्स बन गई, अब उस फिनिश गुड को अच्छे से पैक करना है, अच्छी पैकिंग करनी है ताकि वो ज़्यादा वो चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी पैकिंग के थ्रू, अपनी अपीयरेंस के थ्रू कस्टमर को अपील करती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स जो ऑफ दी शेल्फ होती हैं, यानी जो शेल्फ पे रखे सेल की जाती हैं। जिस तरह हम किसी सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी शेल्फ्स लगी होती हैं और उन शेल्फ में बहुत सारी प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्मेटिक की एक बहुत बड़ी शेल्फ लगी है, तो उस कॉस्मेटिक के एक पोर्शन में सारे, फॉर एग्जांपल जो है वो शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी पैकिंग है या बॉटल का डिज़ाइन कोई ऐसा है जो यूनिक है, जो थोड़ा बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो डेफिनेटली हमें एक दफ़ा अपील ज़रूर करेगा। तो पैकेजिंग इज़ दी टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। पैकेजिंग आल्सो रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, एवेल्युएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजिंग। पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड यूज़। तो ये वही सारी चीज़ें, दो मेन चीज़ें हैं इसमें जो आपने जहन में रखनी है कि पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग करते हुए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए कि इस पैकेजिंग का पर्पस जो है अपनी प्रोडक्ट को इनक्लोज करना है अच्छे तरीके से ताकि वो कस्टमर को अपील कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पैकेजिंग इज़ टू सिक्योर योर प्रोडक्ट, टू प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट। जितनी अच्छी पैकिंग होगी, जितनी अच्छी उसकी पैकेजिंग की होगी, जितना ज़्यादा आप उसको सिक्योर रखेंगे प्रोडक्ट को, वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए बेहतर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हल्का मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी पैकेजिंग में तो उससे उस प्रोडक्ट को डैमेज होने का, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है, जो कि आपको कॉस्ट ज़्यादा करेगा। जो आपने पैकेजिंग पे कॉस्ट सेव की है, अगर वो प्रोडक्ट सिक्योर नहीं है तो वो आपको उसके ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो पैकेजिंग के वक्त ये दोनों पॉइंट्स जहन में रखने चाहिए कि पैकेजिंग खूबसूरत भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, कस्टमर को अपील भी करे और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्ट की लाइफ को भी बढ़ाए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन करे। जी, थर्ड एलिमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो है वो है डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। पहले हमने अपस्ट्रीम एक्टिविटी पढ़ा जिसमें सप्लायर्स के मैनेज किया हमने, दो तरह के सप्लायर्स पढ़े, फर्स्ट ईयर सप्लायर और सेकेंड ईयर सप्लायर। फिर हमने इंटरनल एक्टिविटी देखी जिसमें दो स्टेप थे, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग। नाउ थर्ड एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। अपस्ट्रीम एक्टिविटी क्या थी? जिसमें रॉ मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा था सप्लायर्स के थ्रू। डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी क्या है? जिससे चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएंगी। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आया? रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ और अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें बाहर किस शक्ल में जाएंगी? उस फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल। तो वो जाएंगी कहाँ पे? डेफिनेटली वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा सकती हैं, हमारे शिपिंग पार्टनर्स के पास जा सकती हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे जा सकती हैं डायरेक्टली, या होलसेलर्स, रिटेलर्स के पास जा सकती हैं। अब इन चारों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं हमारे, मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर,
जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाती हैं, और उस एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंडर भी बहुत सारा एरिया होता है, उसने उस सारे एरिए को कवर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेप्सी है या कोक है या लेज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कंपनी से ये चीज़ें डायरेक्टली कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती, डायरेक्टली रिटेलर तक नहीं पहुंचती, बल्कि ये कहाँ पे पहुंचती हैं, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पहुंचती हैं। इसी तरह ये वॉल्स वगैरह, ये आइसक्रीम जो लेके गली में फिर रहे होते हैं दो, उस पर साइकिल पे या मोटर बाइक पे, तो ये भी डायरेक्टली कंपनी से नहीं लेके आ रहे होते। एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वॉल्स वालों का, उस एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर डिफरेंट एरिया है गुजरांवाला का या किसी भी सिटी का, जो उस एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने कवर करना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फिर वहाँ से वो चीज़ें उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एक और नाम भी है जिसको हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कहते हैं, और इसको क्रॉस डॉक भी कहा जाता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर भी कहा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाला पूरा आप जो पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, एक और बड़ा मशहूर नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, वेयर हाउस। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग अलग से होती है। तो अब ये चार इसके मशहूर नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कह सकते हैं, वेयर हाउस भी इसी को कहते हैं, और इसको बल्क ब्रेक सेंटर भी कहते हैं, क्रॉस डॉक सेंटर भी कहते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर भी कहते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर भी कहा जाता है। पर नाम कोई भी हो, कोई भी नाम इसका लिया जाए, पर्पज़ एक ही है कि कंपनी से वो प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आएगी। हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंडर एक स्पेसिफिक एरिया होगा, उसने उस एरिया में उस प्रोडक्ट को पहुंचा देना है, ताकि वहां से फिर वो रिटेलर्स और शॉपकीपर्स के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच सके। उसके बाद आते हैं जी रिटेलर्स। रिटेलर्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न अ प्रॉफिट। इट इज एक्चुअली B2C ट्रांजेक्शन टाइप है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर। रिटेलर शॉप्स कौन सी होती हैं, रिटेलर्स कौन से होते हैं, ये जो हमारी मार्केट में या हमारे गली मोहल्ले में शॉप्स होती हैं, ये रिटेलर्स होते हैं, ये बिजनेस टू कंज्यूमर बेस्ड कॉमर्स कर रहे होते हैं, यानी ये इनके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं इन्होंने वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करने के लिए रखी होती हैं, ना कि किसी और जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देने के लिए। अब क्या होता है कि उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उन वेयर हाउसेस से ये साहब जो प्रोडक्ट हैं अपने एक स्पेसिफिक एरिए के तमाम रिटेलर्स के पास आ जाते हैं, और फिर कंज्यूमर के पास जो है वो कहाँ से पहुँचती हैं, इन रिटेलर्स के थ्रू पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये रिटेलर्स वही हैं जो स्मॉल ऑर्डर्स लेते हैं, इनके पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे गली मोहल्लों में शॉप्स हैं, जो करियाने वाली दुकानें हैं या छोटे मोटे स्टोर्स हैं, इनके पास अक्सर कंपनीज के वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर्स आए होते हैं, जो कि इनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप ये रख लें जी, लेस के पैकेट रख लें, वो मसाला इतना रख लें, बारबेक्यू वाला इतना रख लें, दूसरा इतना। तो ये रिटेलर जो होते हैं, शॉपकीपर जो होते हैं, ये चूंकि इतनी ज़्यादा लार्ज इन्वेंट्री को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये फिर उनसे थोड़ी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं कि नहीं इतने नहीं, आप मुझे इतने दे जाएं, जब ये सेल हो जाएगा तो मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली कंज्यूमर को देना होता है, कंज्यूमर ने इनसे लेना होता है, यानी हम जैसे लोग जो इनसे जाके कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं। तो ये होते हैं जी रिटेलर्स। उसके बाद लास्ट आ गए जी कस्टमर्स। अब कस्टमर क्या होता है, खरीदार होता है, जिसको क्लाइंट भी कहा जाता है, बायर भी कहा जाता है, परचेजर भी कहा जाता है, बट कंज्यूमर इज नॉट ऑलवेज, सॉरी कस्टमर इज नॉट ऑलवेज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है खरीद के, कस्टमर वो है जो जस्ट प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वो उसको कंज्यूम भी कर सकता है और उसको नेक्स्ट सेल भी कर सकता है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी ले सकता है।
अब वो रिटेलर शॉप्स वाले जो कस्टमर रिटेलर शॉप वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउस वालों से चीज़ ले रहे हैं एक स्पेसिफिक रेट पे, तो वो रिटेलर शॉप वाला उसके लिए तो कस्टमर हुआ, लेकिन वो रिटेलर वो शॉपकीपर उस कस्टमर है उस प्रोडक्ट का, लेकिन कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि उसको अपनी शॉप पे रख के कुछ परसेंट प्रॉफिट रख के आगे फिर सेल कर रहा। तो कस्टमर इज द रेसिपिएंट ऑफ ए गुड और सर्विस और ए प्रोडक्ट और एन आइडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेलर वेंडर और सप्लायर वाया अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज फॉर मनी और सम अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, कस्टमर जो है बायर कस्टमर क्लाइंट परचेजर वो क्या होता है, वो वसूल कनिंदा होता है किसी सर्विस का, किसी प्रोडक्ट का या किसी आइडिया का। बाज़ लोग आइडियाज़ भी तो सेल करते हैं, ये जो बिजनेस कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, कि हम में से अगर कोई बाहर जाना चाहता है स्टडी के लिए तो हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं, और वो किस चीज़ की फीस लेते हैं, वो अपना आइडिया बेच रहा है, तो हम उससे आइडिया ले रहे हैं, आइडिया खरीद रहे हैं, तो हम कस्टमर ही हुए। टूडे कस्टमर्स आर जनरली कैटेगराइज इन टू टाइप्स, एंड एंटरप्रेन्योर्स और ट्रेडर और एंड यूजर। एंड एंटरप्रेन्योर जिसको हम ट्रेडर भी कहते हैं, हु इज़ अ डीलर डैट परचेजेज गुड्स फॉर रीसेल, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, वो जो रिटेलर ऊपर शॉपकीपर हमने पढ़ा है, वो एक्चुअली ट्रेडर है, वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर है, जो कि उस कंपनी के वेयर हाउस से चीज़ें खरीद रहा है उसको आगे सेल करने के लिए। हु इज़ ए डीलर डैट परचेजेज गुड्स फॉर रीसेल। और दूसरा कस्टमर होता है एंड यूज़र, जो हम लोग हैं, हम लोग उन शॉपकीपर्स के पास जाके जो चीज़ें खरीदते हैं, हम उनको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि हम उनको इस्तेमाल के लिए अपने खुद कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, तो हम लोग एंड यूज़र हैं या कंज्यूमर हैं। तो ये थे स्टूडेंट तीन इम्पोर्टेंट एलिमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जिसमें तीन तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, अपस्ट्रीम एक्टिविटी, इंटरनल और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। जी स्टूडेंट्स, ये थे एलिमेंट्स। तो आज हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसको डिफाइन किया, और उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देखे, कि वो प्लान होता है में एक होता है वो, और उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स देखे। कल हम यानी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको इतना जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल पढ़ेंगे, और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।